अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ड्रीम किचन। दोस्तों, आज मैं सिंपल सी पूरी आलू की रेसिपी को एक ख़ास स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, और ये ख़ास स्टाइल है हलवाई स्टाइल, यानी जो पूरी सब्ज़ी हम बाज़ार से मंगाकर खाते हैं वो वाला स्टाइल। तो आइए इस रेसिपी को आज हम घर में बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो बेडमी पूरी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, सिंपल आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए। उसके अलावा मैंने 1/2 कटोरी उड़द की दाल ली है, जिसे मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1/2 कटोरी सूजी ली है, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और 1 हरी मिर्च ली है, और ये कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें 1/2 चम्मच सौंफ, धनिया, जीरा है, और 1/2 चम्मच अजवाइन, लाल मिर्च कुटी हुई, और नमक। अगर आपके पास सौंफ, धनिया, जीरा का पाउडर या दरदरा कुटा हुआ हो तो वो आप मिला सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमें इसी आटे के डो में मिलानी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उड़द की दाल में अदरक और हरी मिर्च डालकर इसको पीस के लाते हैं, और फिर अपना डो बनाना शुरू करते हैं। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सूजी डाल दी इसमें, आटे में, और ये देखिए ये उड़द की दाल है जिसे मैंने पीस लिया है। अदरक और हरी मिर्च डालकर वो भी मैं इसमें मिला दूंगी, और बाकी के मसाले जो मैंने दरदरे पीस लिए वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और 2 टेबलस्पून ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी। और पहले मैं इसको जो मैंने पिसी हुई दाल डाली है इसी के मॉइस्चर में मैं इसको गूंदूंगी, पानी नहीं मिलाऊंगी। उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो पानी मिलाऊंगी। तो इसमें मुश्किल से 1/2 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। ये बेडमी पूरी 2 तरह से बनती है, या तो आप दाल इसमें इस तरह से साथ में आटे के गूंद लें, और या फिर आप इसको स्टफिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी आप जब लोई बनाएं तो उसके बीच में इसकी दाल की ये को स्टफ करते जाएं और पूरी बेल बेल के तलते जाएं। तो मैंने, मुझे इस तरह ज़्यादा आसान लगता है, तो मैंने आटे के डो में ही दाल भी मिला ली है। और बस अब देखिए हमारा डो तैयार हो गया। ऊपर से मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी इसमें, ताकि ये चारों तरफ से सूखे ना इसके ऊपर की सरफेस, और मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। इस बीच में मैं आइए अपनी सब्जी तैयार कर लेती हूँ। आटे को हम साइड कर देंगे और सब्जी की तरफ चलते हैं। आलू की रसेदार सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये मैंने 6 आलू लिए हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। उसके अलावा मैंने अदरक, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें 2 टीस्पून धनिया है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून कलौंजी है, और 1/2 टीस्पून हींग है। और ये, सॉरी, हींग नहीं है, ये है मेथी दाना, और 4-5 मैंने वो ली हैं सूखी हुई लाल मिर्चें। इन सबको हमें दरदरा पीस लेना है, या तो आप इसको खरल में पीस लें, या ग्राइंडर में बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको चलाएं ताकि इसका पाउडर ना बने। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच खटाई ली है, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च, और 1/2 चम्मच हींग ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, हींग डाल दी उसमें, और उसके बाद मैंने उसमें 1/2 टीस्पून राई डाली है। और ये देखिए राई हमारी क्रैकल होने लगी है। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी, और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे अच्छी तरह से भून लूंगी ताकि अदरक का कच्चापन चला जाए और इसके फ्लेवर्स ऑयल में आ जाए। और ये देखिए अदरक और हरी मिर्च हमारी भून गई है। आप यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट का इस्तेमाल ना करें, इसी तरह से दरदरा इसको फाइन चॉप करके इस्तेमाल करें, और टमाटर की भी प्योरी ना बनाएं, क्योंकि हलवाई इसी तरह से इसको डालते हैं, इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। और ये देखिए टमाटर मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं यहाँ पर टमाटर को हल्का सा भून लूँगी। यहाँ पर मैं इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड कर दूंगी, ताकि ये देखिए पाउडर मसाले डालकर मैं इसको 3-4 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी, ताकि इस बीच में हमारे टमाटर भी गल जाएं
और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी जो टमाटर का छूटे वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पानी कम है, सब्जी ये हमारे मसाला लग सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको लिड लगा के छोड़ दी थी। और उसके बाद ये देखिए, मैंने जब इसे खोला तो ये बिल्कुल भुनाई पे आ गया था, इसका पानी सूख चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ये देखिए टमाटर पक गल चुके हैं, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें वो वाले मसाले मिलाऊंगी जिनको मैंने दरदरा कूटा है। और ये देखिए ये मसाले मैंने मिला दिए हैं, और इन मसालों के मिलाते ही बिल्कुल हलवाई की दुकान वाली खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत फ्लेवरफुल सी ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर अब मैं आलूओं को देखिए इस तरह से हाथ से तोड़ कर डालूंगी और उसको अच्छी तरह से यहाँ पर आँच थोड़ी सी बढ़ाकर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आप 1 से 1.5 मिनट तक आलू को भून लें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये देखिए सारा मसाला आलूओं पर अच्छी तरह से कोट हो गया। यहाँ पर अगर आलू का कोई टुकड़ा आपको बड़ा दिखाई देता है तो आप उसको स्पैचुला से तोड़ दें। और अब यहाँ पर इसमें मैंने 0.5 लीटर से भी ज़्यादा पानी डाला है, और आप भी इसमें बहुत सा पानी डाल दें और घबराएं बिल्कुल नहीं। ये थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छी ग्रेवी इसी पानी की बनकर तैयार होगी। 10 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर छोड़ दें। और 10 मिनट के बाद ये देखिए जब मैंने खोला है तो पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, और टमाटर और जो मसाले हमने डाले थे और कुछ आलूओं से उसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई। और बस ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी और इसको इसी तरह से रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी फ्लेम बंद करके। थोड़ी देर के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और आइए अब हम अपनी बेड़मी पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए आटे को मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लिया है, उसको चिकना कर लिया है, और अब इसमें से मैं एक पोर्शन लेकर लोइयां बनाना शुरू करती हूँ। ये बेड़मी पूरी का ओरिजिन दिल्ली आगरा साइड से हुआ था, लेकिन अब ये पूरे सब जगह आराम से मिलती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इस पूरी की लोई नॉर्मल पूरी वाली लोई से थोड़ी सी बड़ी रखी जाती है और थोड़ी सी मोटी बेली जाती है। और हाँ, ध्यान रहे इसमें आपको सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। रोलिंग पिन पे भी आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें। और ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी मोटी पूरी इसकी बेलें। और इसको पकाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसको तलने में, क्योंकि ये नॉर्मल पूरी से थोड़ी सी देर तक धीमी आंच पर तली जाती है। इसके अंदर कच्ची उड़द की दाल है तो हमें धीमी आंच पर जब इसको देर तक पकाते हैं तो वो ठीक से पक जाती है और बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और मीडियम हॉट ऑयल में हमें इसे तलना है। बहुत तेज़ नहीं करना है ऑयल वरना ये डालते ही जलने लगेगी। इसको बहुत धीमी आंच पर और इसको हमें हर साइड से 2 बार पकाना है। देखिए इस तरह से इसको हल्के हल्के दबाएंगे तो ये फूल जाएगी और इसकी साइड चेंज कर देना है। और एक बार फिर हमें इसी साइड पे पलट के इसको तलना है ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये ठीक से अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। देखिए 2 बार मैंने इसको दोनों तरफ से सेक लिया है और बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत मज़ेदार सी, बहुत क्रिस्पी बेड़मी पूरी बनकर तैयार है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और आज मैं इसको डिश आउट भी हलवाई के ही स्टाइल में करने वाली हूँ। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार है। इसे मैंने आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। आप प्लीज़ एक बार मेरे स्टाइल से इस तरह की पूरी आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।